बच्चों, हाउ आर यू? हमारे पास कौन सी किताब है? अंक जगत, कक्षा चार। आज हम पढ़ेंगे मिश्र संख्याएं, सरलीकरण, पाठ आठ, मिश्र संख्या संक्रियाएं, मिश्र संक्रियाएं, इनको कहते हैं मिक्स ऑपरेशन या सरलीकरण। इसमें क्या होता है, एक ही में गुणा जोड़ घटाना भाग सारे ही चिन्ह दे दिए जाते हैं। एक सवाल में क्या करना होता है, उन सवालों में हमें जोड़ भी करना, गुणा भी करना, घटाना भी करना। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमारे पास एक नियम होता है। क्या है नियम? उस नियम के अनुसार सभी संक्रियाओं में, सभी का मतलब जोड़ गुणा घटाना और भाग, अगर सभी संख्याएं हमारे पास हैं तो सबसे पहले हम भाग हल करेंगे, किसे? उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, सबसे आखिरी में क्या करेंगे, घटाना। तो ये हमें क्रम याद रखना है, सबसे पहले भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, और सबसे बाद में घटाना। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। एक प्रश्न दिया गया है, इसमें लिखा है चार गुणा तीन जोड़ आठ भाग दो और घटाना छः। तो इसमें जोड़ भी है, गुणा भी है, घटाना भाग भी है और घटाना भी है। तो पहले हमें क्या काम करना है, भाग। तो भाग कितना है, दो का भाग आठ में देना है। तो फिर पहले करिए, दो का भाग आठ में कितनी बार जाएगा, दो का पाड़ा पढ़ना है, दो का भाग आठ में चार बार, दो इक्की दो, दो तिया छः, दो चौकू आठ। तो दो का भाग आठ में कितनी बार गया, चार, और बाकी संख्या सब वैसे ही लिख दी हमने। अब भाग के बाद नंबर आता है गुणा का, तो चार का गुणा करेंगे तीन में, तो चार का गुणा तीन में यानी चार तिया बारह। अब गुणा भी हो गया, अब रह गया जोड़ और घटाना। तो इनमें सबसे पहले क्या करना है, जोड़। बारह में चार जोड़ो कितने आएंगे, बारह में चार जोड़ो सोलह, और सोलह में से छः घटा दो, कितना बचा, सोलह में से छः घटाओ दस, हो गया हमारा सवाल। पहले क्या करना था, भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद योग, जोड़, योग को जोड़ कहते हैं, और सबसे आखिरी में घटाना। तो ये होता है सवाल हल करने का तरीका। किताब में अभ्यास दिया गया है, पहला सवाल है हल करो। इसमें इतने सारे सवाल हैं, तो चलिए हम कुछ सवाल हल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल, सरल करो, 36 भागित 6 गुणा 7 घटाना 3 और जोड़ 8। अब इसमें ये देखो, सबसे पहले क्या करना हमें, भाग, कितने का भाग करना है, 6 का भाग। चलिए 6 का पाड़ा पढ़ते जाइए, 6 बार छिछंग 36, तो इसका उत्तर आया 6। अब गुणा का निशान लगा दो 7, फिर घटाने का निशान 3 और जोड़ का निशान 8। अब क्या करना है, भाग हो गया, भाग के बाद गुणा, 6 का 7 में गुणा करो, कितने आएंगे, 6 का पाड़ा 7 बार 42, फिर घटाओ 3 और जोड़ो 8। अब दो निशान है, घटाना और जोड़, तो पहले जोड़ करना है या घटाना करना है, जोड़। तो 42 में 8 जोड़ दो, 42 में 8 जोड़ोगे तो 42 के बाद 8 और गिन लो, 50 आ जाएंगे, और 50 में कितना घटाना है, 3, और 3 जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 50 में से 3 कम कर दो, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 40, 7, 47। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल, और इसका उत्तर भी आ गया, क्या आया, 47। अब अगला सवाल, 117 में भाग देना है 9 का, फिर घटाना है 5, गुणा करना है 2।
तो अब क्या करोगे यहाँ पर तुम लोग? पहले क्या करना है, भाग 9 का भाग 117 में देना है, तो अलग भाग दे के देख लो। यहाँ पे हम दे के दिखा रहे हैं, 9 का भाग लिख के दिया जाएगा 117 में। 9 एकम 9 बचा कितना 2, और 9 27 हो गए, 9 तिया 27, तो 9 का भाग 117 में गया 13 बार। फिर घटाना 5 गुणा 2। अब क्या करना है, गुणा करना है। 5 का 2 में गुणा किया कितना आया, 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10। अब जोड़ है नहीं, घटाना करना है, तो घटा दो डायरेक्ट। 13 में 10 गया, कितना बचा 3, हो गया आंसर। पहले भाग, फिर गुणा, फिर घटाना। अगला सवाल, 12 गुणा 8 घटाना 11 जोड़ 14 और भागित 2। अब इसमें क्या करना है तुम लोगों को, पहले भाग करोगे, 2 का भाग 4 में, सबसे आखिर में बना हुआ है, तो 2 का भाग जब 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा जल्दी बताइए। 2 का भाग 4 में देना है, 2 का पाड़ा पढ़ो, 2 दूनी 4, 2 बार गया। अब भाग के बाद नंबर आता है गुणा का, 12 का पाड़ा किसे किसे याद है, 12 का पाड़ा 8 बार पढ़ो, 12 अट्ठे 96। अब हो गया घटाना 11 और जोड़ना 2। अब 96 और 2, बताइए जोड़ और घटाना दो चीज़ें बची हैं, तो पहले जोड़ करना है या घटाना करना है, जोड़। 96 में 2 जोड़ दो, हो गए कितने 98, और 98 में से 11 घटाना है, घटा दो भैया। 8 में 1 गया 7 बचा, 9 में 1 गया 8 बचा, आ गया उत्तर कितना 87। तो पहले क्या किया तुमने, भाग, फिर किया हमने गुणा, फिर किया जोड़, फिर किया घटाना। घटाना ये भी हो गया तीसरा सवाल। एक सवाल और देख लो, सवाल है घा, 445 में 35 जोड़ना है, फिर भाग देना 5 का, घटाना है 32 और गुणा करना है 9। तो पहले क्या काम करोगे, भाग, भाग कितना है 5 का भाग 35 में, तो 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए फटाफट से। सात बार 5 7 तो यहाँ 7 आएगा, घटाया 32 गुणा 9। अब भाग के बाद क्या करना है, भाग हो गया, अब भाग के बाद क्या करना है, गुणा, 9 का गुणा 32 में करो। कौन कर लेगा, कापी भी लिख के करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कर देते। 9 का पहाड़ा पढ़ो 2 बार, 9 दूनी 18, हासिल गया 1, 9 तिया 27 और 1 28। अब क्या करना है, इनको जोड़ दीजिए, जोड़ में 445 में 7 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 452, और 452 में 288 घटाना है, ऐसे अलग लिख के घटा लो, 452 और 288 घटा दो, इसमें हासिल लेके घटाना पड़ेगा, 2 में से 8 जाएंगे नहीं, 5 से हासिल लिया, ये हो गए 12, 5 की जगह रह गए 4, 12 में से 8 गया बचा कितना 4, 4 में 8 फिर नहीं जाएंगे, फिर यहाँ हासिल लिया ये 14 हो गए, 14 में 8 गए 6, और यहाँ 3, 3 में से 2 बचा 1, तो तुम्हारा उत्तर आएगा 164। 100, ये हो गया तुम्हारा अगला सवाल। अब एक सवाल और कर लो, सवाल है अगला सवाल, 505 में 5 का भाग दोगे, फिर जो भी आएगा उसमें 215 जोड़ दोगे, तो हम यहाँ 5 का भाग अलग से देके देखते हैं। 505, पहले 5 का भाग 5 में दिया, एक बार गया, 5 एकम 5, घटा दिया 0 बचा, 0 ले लिया भाग जाएगा नहीं, ऊपर 0 लिखा, 5 भी दोबारा लिख लिया, 5 एकम 5, ये भी कट गया, शेष कुछ आया नहीं, उत्तर आया 101। 505 में जब 5 का भाग दिया तो उत्तर आया 101, और 101 में जोड़ना कितना है 215। यहाँ पर सोचना ही नहीं है बिल्कुल हमें, यहाँ क्या करना है, जोड़ दीजिए, 215 में 101 जोड़ा, 5 और 1 6, 1 और 2 और 1 3,
उत्तर आया 316। सवाल, अनुमान लगाकर हल करो, 42 में 7 का भाग देना है और 0 का गुणा करना है, तो 0 एक ऐसी बीमारी है जिसमें लग गई वो 0 हो गया, यानी कि इसमें 0 का गुणा करना है, तो इसमें चुपचाप लिख दो इसके नीचे 0 का गुणा कितना आएगा, 0, सब संख्या 0 हो जाती है, समझ गए ना। अगला सवाल 15 × 0 / 5, देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो आंख नीच के कुछ भी मत सोचो, तुरंत बता दो उत्तर कितना आएगा, 0, कितना आएगा, 0, 0 ऐसी चीज है किसी भी संख्या में लगा दो, बहुत बड़ी संख्या हो 0 से गुणा करना है तो उत्तर जी। 126 में 0 का गुणा करोगे तो इसका उत्तर आएगा 0, और इसमें 1 जोड़ दोगे, बताया 0 में कुछ भी जोड़ दो तो वही संख्या आ जाती है, तो इसका उत्तर आएगा 1। अगला, अगला सवाल है, गुणा करो तो वही संख्या आती है और 1 का भाग लगाओ तो वही संख्या आएगी, 100 में 2 का गुणा करेंगे तो आएंगे 200, और 200 में भाग देना है 1 का, 1 का गुणा करो चाहे 1 का भाग दे दो, संख्या वही लौट के आ जाएगी, उत्तर आएगा तुम्हारा 200। तो ये थे तुम्हारे सवाल, आगे देखो। एक कारखाने में 1565 और दूसरे कारखाने में 4236 साइकिलें प्रतिदिन बनती हैं, बताओ दोनों कारखानों में 27 दिनों में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी, क्या करना है। एक कारखाने में बनती हैं 1565, दूसरे कारखाने में 4236, तो दोनों कारखानों में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी, और उसके बाद उसमें 27 का गुणा कर देना है। अगला सवाल है, अमन ने 300 रुपये की दर से 8 बस्ते और 75 रुपये की दर से 16 रजिस्टर खरीदे, 8 बस्ते की कीमत 300 × 8, 75 बस्ते की कीमत रजिस्टर की 16 रजिस्टर 75 रुपये के, 16 × 75 और 8 × 300, दोनों वस्तुओं में कुल खर्च किए गए रुपए का अंतर बताओ, तो रजिस्टर कम के पैसे के आए थे, बस्ते ज़्यादा पैसे के आए, घटा दो ज़्यादा में से। बरखा ने 20 रुपये की दर से 72 पेन और 200 रुपये की दर से 3 पुस्तकें खरीदी, उसके पास 6500 रुपये बचे, बरखा कितने रुपए लेकर बाजार गई थी, तो पहले क्या काम करना है, बरखा ने 72 पेन खरीदे तो 20 का गुणा कर दो, और 200 रुपये से 3 पुस्तकें खरीदी, 200 का 3 में गुणा कर दो, और सब जोड़ के 6500 रुपये में भी बाकी जोड़ दो, हो जाएगा तुम्हारा कितने रुपए लेकर बाजार गई थी। नीचे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में हमको निशान लगाना है,